हमीरपुर के भोरन शंभू के ताल में भाजयुमो के युवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक भोरन कमलेश कुमारी, संसदीय प्रभारी प्रवीण शर्मा, प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र अत्री भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे पीड़ा है कि कांग्रेस के लोग देश के विकास और प्रगति को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में मिली सफलता को लेकर कांग्रेस के द्वारा की गई शिकायत फिजूल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी क्लीन चिट दी है। वहीं बीजेपी नेता सुरेश चंदेल के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है और ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। वहीं सुखराम को कांग्रेस के द्वारा स्टार प्रचारक बनाए जाने पर जयराम ने कहा कि यह तो मैं ही बताएगा कि सुखराम को कितने स्टार जनता लाएगी। मुझे इस बात पर बहुत पीड़ा है कि कांग्रेस के लोग देश के विकास को भी रोकना चाहते हैं, प्रगति को रोकना चाहते हैं। आचार संहिता से उसके कोई लेना देना नहीं, एक प्रक्रिया उस दिशा में कई वर्षों से चल रही थी और प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद एक इजाजत के मुताबिक जो है उस सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया, सफलता हासिल हुई। और जब सफलता हासिल हुई और पूरे देश दुनिया में सारी इसकी चर्चा हुई और भारत को पूरे विश्व में चौथे स्थान पर, चौथा एक जो है चौथा देश बन गया, और उस टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी में जिन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनको स्मरण करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, बजाय इस प्रकार की सारी बातों को लेकर के। और मुझे लगता कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। हमें मालूम नहीं अभी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन अखबारों की चर्चा है, हमारी जानकारी के मुताबिक नहीं हुई है। ठीक है, अब की बार जो है वो स्टार कितने लगेंगे लोग लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो शब्द देखिए, पिछली बार चाय वाला का शब्द इस्तेमाल किया था उनने, जिसमें गंदी और भद्दी टिप्पणियां उनने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए की थी उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। और अब जब देश के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, अब जो है चौकीदार शब्द पर भी उसी प्रकार की टिप्पणियां करने की कोशिश की है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को कांग्रेस के लोग ना समझते हैं, ना उस संस्कार से जुड़े हुए हैं, ना ही उस बात का सम्मान करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि पिछली बार चाय वाला बोलना उनको जो है बहुत महंगा पड़ा, और अब की बार चौकीदार के रूप में उन पर जो हमारे मोदी जी पर जो टिप्पणियां की है उसका खमियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 55 दिन का चुनावी प्रक्रिया चलेगी और यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूर्व में 55 सालों से कांग्रेस सरकार ने देश को लूटा है और लोगों के पास समय है कि लूटने वाली सरकार चाहिए या विकास करवाने वाली सरकार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटकर खोखला किया है, लेकिन मोदी के 5 साल के राज में दिन रात का अंतर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौकीदार शब्द पर किए जा रहे कांग्रेस की टिप्पणियों पर कहा कि कांग्रेस के द्वारा चौकीदार पर यूं की टिप्पणियां की जा रही हैं और पिछली बार कांग्रेस को चाय वाला बोलकर महंगा पड़ा है और अब चौकीदार बोलना महंगा पड़ेगा। उसके नाम की विवाह की राशि खा जाते थे, फिर वही बेटी कुछ सालों में विधवा हो जाती थी और उसके विधवा की पेंशन भी खा जाते थे। अरे जो बेटी पैदा नहीं हुई कांग्रेस के कार्यकाल में वो खातों में पैदा भी होती थी, पढ़ती भी थी, स्कॉलरशिप भी लेती थी, शादी भी करती थी, विधवा भी हो जाती थी। हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस खा गई, लेकिन मोदी सरकार आई तो आधार के साथ सारे खाते जोड़ दिए और हिंदुस्तान का 1 लाख करोड़ रुपया किसी ने बचाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर बचाया।